मैं रमशा तुमसे शादी नहीं करना चाहती, सुना? और खुद को देखा है तुमने कभी? हाँ देखा है खुद को, कितने कितने अजीब से तुम लगते हो। अलिफ बेबी नहीं आता तुम्हें पढ़ाई का, अनपढ़ का ही के मैट्रिक पास कर लेने से ना कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। और तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे शादी करेगी? बस अपना मुंह ना बंद रखो, क्योंकि जब तुम बोलते हो ना तो मेरे कानों में सुइयां चुभती हैं। खुद को देखा है ना, बोलने की तमीज, ना बैठने की तमीज, ना चलने की, ना फिरने की, किसी चीज की तमीज नहीं है तुम्हें। और ये तुम बहते क्या हो? कभी अच्छे घर के लड़कों को देखोगे ना तो पता चलेगा कि क्या तरीका होता है बोलने का, क्या तरीका होता है बैठने का। अच्छा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत, आज मैंने तुम्हें अकेले में तुम्हारी औकात याद दिलाई है। आइंदा अगर तुमने मोहब्बत का नाम भी लिया ना तो सबके सामने ऐसा जलील करूंगी कि जिंदगी भर याद रखूंगी। ये तुमने अब्बा को क्या कहा है? अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं उनके दबाव में आके तुमसे शादी करूंगा, ये तुम्हारी भूल है। पागल हो गए हो? मैं चाचू को ऐसा क्यों बोलूंगी? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। हाँ तो मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा बस करो, अच्छी तरह तुम्हें समझता हूँ मैं। तुम्हें पता है कि इतनी बदनामी के बाद कोई और तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, मेरे गले पड़ने लगी हो तुम। तो पागल हो गए हो? तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है शानी। बदनामी की अजियत मैं झेल सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे अजाब को अल्लाह कभी किसी के नसीब में ना लिखे। तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे ना, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे? अलीजे ये क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का? मामा कल मुझे एक पार्टी में जाना है, समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं, आप ही कुछ हेल्प कर दें, बताएं क्या अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है? छोड़ो सारी बातें, तुम मुझे ये बताओ कि तुम फ्री कब हो? क्यों? तुम्हें बुटीक लेके जाना है, तुम्हारी बरी के जोड़े खरीदने हैं मैंने। हाँ मेरी बरी के जोड़े? तो जब शादी होगी तब खरीद लीजिएगा ना, इतनी जल्दी क्या है? मैंने और भाई जान ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी और अफनान की शादी हम जल्दी कर देंगे। मामा आप लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? मैं तुमसे जब भी ये बात करती हूँ तो मुझे यही जवाब देती हूँ, और मेरे पास ना बहुत सारे काम है, लेकिन उन सारे कामों में सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। और बात सुनो लीजिए, अगर तुम्हें अपनी शादी की शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं अकेले जाके ना सारी शॉपिंग करके आ जाऊंगी, लेकिन इस बार तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, समझ लो। रमशा कब से देख रही हूँ फोन पे लगी हुई हूँ। अरे यार मैं शिजाब को कॉल कर रही हूँ, उनके असिस्टेंट कोमल से कुछ दिन पहले बात हुई थी लेकिन अब वो मेरी कॉल ही नहीं पिक कर रही, काफी दिन से कॉल कर रही। कोमल को कहा भी था कि शिजाब से मेरी जॉब के लिए बात करो लेकिन अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया उसने, इतने काम मसरूफ हो गए ये लोग। तुम्हें लगता है ये चैनल वाले तुम्हें जॉब देंगे? हाँ 100%। तुम्हें पता है जब मैं शिजाब के मॉर्निंग शो में गई थी ना, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था, इतनी इज्जत दी थी, मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट करी थी जैसे मैं कोई सुपरस्टार हूँ। मुझे पता है वो मेरी मदद जरूर करेंगी।
वो वक्त ही था, उस टाइम उन्हें रेटिंग चाहिए थी। अब तुम्हारी जगह यकीनन दूसरे लोग आ गए होंगे। ये फील ही ऐसी है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तुम हमेशा मायूसी वाली बातें करती हो एनी, और मुझे भी मायूस कर देती हो। कभी तो हौसला देने वाली बात किया करो। खैर, मुझे पूरी उम्मीद है शिजा आपी मेरी हेल्प जरूर करेंगी, तुम देख लेना। मगर मुझे नहीं, ये मीडिया वाले सिर्फ अपने मतलब को जानते और कुछ नहीं। खैर, अम्मी कह रही है कि वो उन्होंने आटा गूंद दिया, तुम रोटियां बना दो। ठीक है। मैं फैजान दुकान से। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम भाई जी। सामान की गाड़ी आ गई है, तेल के कार्टन उतार लें, अनवर भाई को भेज दें, शानी भाई दुकान पर नहीं है। मैं भेज दूं? जल्दी भेज दें, दुकान पर काफी रश लगा हुआ है, कस्टमर आए हुए हैं। रश पड़ गया? हाँ, लेकिन चाचू और शानी तो बता रहे थे कि दुकान पे कस्टमर्स ही नहीं आते, जिसकी वजह से दुकान की आमदनी नहीं हो रही, तो फिर रश कैसे बढ़ गया? क्या अनवर भाई ने आपको ये बताया? आप अनवर भाई से कुछ कहिएगा मत, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम जाओ। जी शुक्रिया भाजी। भाजी बस अनवर भाई को जल्दी से भेज दीजिएगा, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, रज बहुत है। तो जी आपके हो गए 3,424 रुपए। लगता है कमेटी निकल आई इस दफा। हाँ हाँ जी, आपके हो गए 2,700 रुपया। ठीक, हाँ जी, अब लाओ पर्ची। नहीं बनवाई यार, जाओ करके पर्ची बनवा के लाओ, जाओ। अरे अच्छा, तुम बेटा किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे बता देती, मैं भिजवा देता, आने की क्या जरूरत थी? हा? देखने आई, मेरे बाप के जाने के बाद मेरे अपने मुझसे कितने मुखलिस। क्या मतलब है इस बात का? आपने तो कहा था कि दुकान में काम और माल ना होने के बराबर है, दुकान देख के लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ भी। क्या देखो, चलो अपना काम करो, जाओ यहां से, और तुम भी लिख लो, चलो घर जाओ। आपकी बेवा भाभी आप पे बहुत एतमाद करके बैठी हुई, दो मुखलिस औरतों के एतमाद को इस तरह ठेस पहुंचा रहे हैं आप। अच्छा, हम ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, जाओ यहां से, फसूल बातें मत करो, मैं काम कर रहा हूं, जाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रही अब्बा क्या कह रहे हैं? जाओ यहाँ से। दुकान का हिसाब चाहिए मुझे। क्या? हिसाब चाहिए? और तुम्हें? जी एक काम करो, यहाँ आ जाओ,
यहाँ आके बैठो और हिसाब लो। अगर ये वक्त आया तो ये भी कर लूंगी। आजकल की लड़कियां काम करें, इसमें कोई बुराई नहीं। और वैसे भी बाप का कारोबार उसकी औलाद ही संभालती है। रमशा, यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, घर जाओ। क्यों, तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना लोगों का तमाशा देखकर। बहुत एंजॉय करती हो ना सबका तमाशा देख के। आज खुद का तमाशा बन रहा है तो बुरा लग रहा है? रमशा, मेरी बर्दाश्त का ज्यादा इम्तिहान मत लो। जाओ, चली जाओ यहां से। जा रही हूं, लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं हुई। एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं। एक एक रुपए का। भाभी को अब तो इद्दत भी खत्म हो गई। आपने जवाब ही नहीं दिया। अनवर मुझसे रोजाना पूछते हैं कि भाभी ने क्या सोचा उस बारे में। सलमा, सच पूछो तो मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ। तुम तो जानती हो ना कि शानी ने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद मेरा दिल मुतमईन नहीं है। भाभी, बहक गया था शानी, और फिर उसने माफी भी तो मांग ली थी ना आपसे, मुझसे। अच्छा छोड़ने ना, गलती हो गई उसे। देखिए, बच्चा है आपके सामने पलके बड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं, बचपन से जवान होने तक आपने कभी कोई बात सुनी उसकी? नहीं ना, बस बह गया था, गलती हो गई थी उससे, जैसे हमारी रमशा से हो गई थी। छोड़ने ना, माफ कर दे, जाने दे, और आप मुझे सोच के आराम से जवाब दो। देखने आई मेरे बाप के जाने के बाद मेरे अपने मुझसे कितने मुखलिस। आपने तो कहा था कि दुकान में काम और माल ना होने के बराबर है। दुकान देख के लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ भी।
आपकी बेवा भाभी आप पे बहुत एतमाद करके बैठी हुई है, तो मुखलिस औरतों के एतमाद को इस तरह ठेस पहुंचा रहे हैं आप। और वैसे भी बाप का कारोबार उसकी औलाद ही संभालती है। रमशा, यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना घर जाओ। तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना लोगों का तमाशा देखकर, आज खुद का तमाशा बन रहा है तो बुरा लग रहा है? मेरी बर्दाश्त का ज्यादा इम्तिहान मत लो, जाओ, चली जाओ यहाँ से। जा रही, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं, एक एक रुपए का। जानी, जानी। रमशा, रमशा, रमशा। क्या हो गया? आहिस्ता बात करो, सुन सकती हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा तमाशा बनाओगी, हमें जलील करोगी और हम चुप रहेंगे? अभी जलील किया नहीं है, तुम्हारे और अपने रिश्ते का लिहाज रख के वहाँ से वापस आ गई, वरना बताती मैं तुम्हें। वरना क्या करती तुम? हाँ, क्या करती तुम? आहिस्ता बात करो शानी, एक तो गलती की है और फिर मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम जैसे लोग होते हैं जो अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर दबाव डालते हैं, घटिया। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर तुम दुकान पर मुझे नजर आई ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। टांगे तोड़ना तो दूर की बात है, तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। करोगी तुम? हाँ, इज्जत तो तुमने हमारी मोहल्ले में दो टके की नहीं छोड़ी, इज्जत से काम तो करने दो। अरे क्या क्या हो गया? रमशा तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ बेटा कमरे में जाओ। हाँ परेशानी, देखो बेटा अगर कोई भी बात है ना, कोई मसला है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो बेटा। बड़ी मैं आपसे क्या बात करूँ, आपसे तो अपनी औलाद भी संभाली गई, इसे संभाला होता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। बस करो शानी, बात क्या है बताओ, क्या बात है? मम्मी से पूछे ना जो यहाँ खड़ी हुई है, ये दुकान पर गई है, इससे मुझे जलील किया, अब्बा को जलील किया, कहती है हिसाब दो। हाँ तो क्यों ना मांगू हिसाब, अपना हक भी ना मांगू? मेरे बाप की दुकान है वो, एक एक चीज का हिसाब मांगूंगी तुमसे। तुम्हारा बाप मर गया, समझ आई तुम्हें? कि मैं तो जिंदा हूँ ना, और जब तक जिंदा हूँ एक एक चीज का हिसाब मांगूंगी, पूरा हक है मेरा उस दुकान पर। अपनी बकवास बंद करो, समझी? तुम्हारी ये चिल्लाने से ना मैं डर नहीं जाऊंगी, समझे? भाभी इसे लेके जाइए आप, और शादी को भेजो, अंदर जाओ। इसने एक और लफ्ज़ बोला ना, मैं बता रहा हूँ इसके साथ अच्छा नहीं होगा। तुम जैसे घटिया इंसान से किसी अच्छे की उम्मीद भी नहीं है मुझे। हंसते बसते घर को नजर लग, बेटा छोड़ के चला गया, पोती न जाने कहाँ है, और बहू बेचारी बेहोश पड़ी है अस्पताल में। मेरिन की जो ये हालत है, इसका नतीजा क्या हो? उनकी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। मेरा सलमान कहाँ है? पहले वो कहती थी कि सलमान मेरा बेटा है, मगर अब हम कहेंगे कि सलमान मेरिन का बेटा है। इस बात का क्या मतलब है? बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा हुआ, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक थप्पड़ नहीं चाचू को चाहिए तो उसके मुंह पर दो थप्पड़ मारते। चुप कर जाओ, अब मैं तुम्हारी आवाज ना सुनूं इस घर में। अरे पहले क्या कम हंगामा हुआ है जो तुम मजीद तूफान लाना चाहती हो? और तुम्हें जरूरत क्या थी दुकान पे जाने की? ना तुम दुकान जाती और ना ये तूफान खड़ा होता। अम्मी वो दोनों हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और आप कह रही हैं कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। तो क्या मिला? अरे क्या मिला तुम्हें दुकान जाकर? सच, सच सामने आया। अगर मैं वहां ना जाती ना तो मुझे और आपको कभी ये बात नहीं पता चलती। अम्मी हम यहाँ कितने परेशान हैं, मेरी फीस के पैसे नहीं, और चले फीस तो छोड़े वो तो दूर की बात है, अम्मी आपकी मेडिसिन तक के पैसे नहीं। आपको पता है चाचू दुकान से एक अच्छी आमदनी उठा रहे, लेकिन हमें देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। मेरे अब्बू जी की दुकान है वो, उस पर पूरा हक है अम्मी मेरा, चाचू उस पर कब्जा करके बैठे हैं। रमशा कब्जा नहीं किया उन्होंने। अम्मी कब्जा ही तो है ये, इतनी आमदनी आ रही है वो सब चाचू की जेब में जा रही है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि हमारी जरूरत के पैसे भी नहीं मिल रहे हमें। हद होती है अम्मी, सब देख के भी अनजान बन रही हैं आप। कुछ भी सही अनवर, आपको इस तरह जवान औलाद के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो भी सबके सामने। तो और क्या करता, क्या करता? तुमने देखा नहीं शानी कैसे बदतमीजी कर रहा था भाभी जी से? क्या जरूरत थी रमशा के साथ उलझने की? मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊंगा, अपने तरीके से भाभी जी से बात करूंगा, लेकिन सारा मामला उलट के रख दिया। एक नंबर का जज्बाती है, अकल नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे बेटे में। तुम लोग क्या समझते हो भाई साहब के जाने के बाद अकेले दुकान संभालना कोई आसान काम है? मैं अपने तरीके से भाभी जी से बात करता तो वो समझती भी। अजीब मामला है, मेहनत भी करो और बुरे भी बनो। जो होना था वो तो हो गया ना, तो अब क्यों परेशान हो रहे हैं? ना 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 ना, मैं परेशान नहीं हूं। होगा वो ही जो मैं चाहूंगा। गेम को पलटना मुझे आता है, पुराना खिलाड़ी हूं। कौन सा मोरा किस जगह चलना है, कब चलना है, मुझसे बेहतर कौन समझता? इस भाभी की और इसकी बेटी की तो ऐसी की तैसी। जवान औलाद पे हाथ उठाना पड़ा, पूछना था उससे, ज्यादा बुरा तो नहीं लगा? बात तो गलत है, कुछ पूरी थी मेरी, समझा भी करो। बात सुनो शानी, तुम भाभी से माफी मांगोगे? माफी नहीं मैं मांगूंगा,
तो बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? याद रखो शान, अगर तुमने माफी ना ना मांगी तो क्या मारेंगे मुझे? मारे लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। याद रखना, तुम्हारी ये अकल जो है एक न एक दिन तुम्हें तो बर्बाद करेगी, साथ में हमें भी बर्बाद कर देगी। मेरी बात सुनो और समझो। बैठो वहां पे, बैठो। देखो शाने, बात की नजाकत को समझने की कोशिश। मैं समझू? समझने की तो उसको जरूरत है जो बेवकूफ लड़की हम पर अपना भरम जमा रही है। क्या क्या कर रही है वो? क्या भरम चलाया है उसने? यही कह रही है ना कि वो दुकान उसकी है, वो कारोबार उसका है, उसके बाप का है, हमारा कुछ नहीं है। तो उसमें गलत क्या है? क्या गलत है? वो कारोबार भी उसका है, वो दुकान भी उसकी है, उसके बाप की है। डरो उस वक्त से। आज तो वो सिर्फ दुकान का हिसाब मांग रही, कल को वो उसी दुकान का कब्जा मांगेगी। और बात शानी यहां तक रुकेगी नहीं। ये घर किसका जिसमें तुम दंदनाते फिरते हो, ऊंची आवाज में बात करते हो, किसका है? उसी का, उसकी मां का है, उसके बाप का है, तुम्हारे बाप का कुछ नहीं। उठा के बाहर फेंक दिया ना हमें, तो ना तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा ना मेरे, खाली हाथ होगा, खाली। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनो। तुम्हारा रमशा से शादी करना बेहद जरूरी है बेटा। जब रमशा से एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना, वो तुम्हारी बीवी बन गई, तो फिर सब कुछ उसका तुम्हारा होगा, तुम मालिक होगे। इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं ना शान, ठंडे दिल से उस पर गौर कर बेटा। जरा सी माफी मांग लेने से अगर हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारा इतना बड़ा फायदा होगा, उसमें क्या हर्ज है? पागल हो गए हो तुम? ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है शानी। बदनामी की अजियत मैं झेल सकती हूं, लेकिन तुम जैसे अजाब को अल्लाह कभी किसी के नसीब में ना लिखे। तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे ना, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। बड़ी मी मैं शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, गुस्सा आ गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। शानी मेरा जीत करते तुम्हारे मुंह में थप्पड़ लगाऊं। अरे बस कर दो अनवर, बच्चा है, गलती हो गई इससे। मैंने इसे माफ किया, छोड़ दो, तुम भी रहने दो, माफ कर दो इसे। अरे भाभी जी, ये तो आपका बड़ापन है कि आप ऐसा कह रही हैं। वरना यकीन कीजिए मुझे तो शर्मिंदा करके रख दिया। मैंने सोचा था चार पैसे जमा होंगे तो एक साथ आपको दूंगा, ताकि आपका किसी काम आ जाए। आजकल पैसे का थोड़ी पता चलता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, बहुत बड़ा एहसान किया रमशा बेटी ने, बहुत सही किया जो मुझे एहसास दिलाया। मुझे एहसास हो गया है भाभी जी।
और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भाभी जी कि आज के बाद इस घर में आपके साथ कोई हक तलफी नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे साजिद भाई की होते हुए होता था। इंशाल्लाह तसल्ली रखिए आप। सलमा तुम क्या कर रही हो? ये उठो चाय बनाओ, आज भाभी जी के साथ मिलके शाम की चाय पियेंगे। जाओ साहब चल। अच्छा और बात सुनो, ये पकड़ो बस, ये जाओ इकबाल की दुकान से गर्मा गर्म समोसे लेके आओ। भाभी जी आपको तो पता है हमारी रिमशा बेटी को समोसे कितने पसंद हैं, और अगर इकबाल की दुकान के समोसे हो तो शाम की चाय का मजा ही दुबाला हो जाता है। जाओ साहब लेके आओ। बस भाभी जी मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मेरे बच्चे को माफ कर दिया, मेरा तो दिल जीत लिया, एहसान कर दिया आपने मुझ पे। अरे अनवर रहने दो, मेरे भी तो बेटे की तरह से है शानी। बस मैं आपके लिए पानी लेके आता। अफ़सान तुमसे बात करनी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मामा से कहो कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। अलीज़े मैं तुम्हें क्या कोई बहुत बेवकूफ इंसान लगता हूँ जो तुम्हारी इतनी फजूल बात मान लूंगा? अफ़सान मामा मेरी बात नहीं सुनेंगी, तुम उन्हें कन्विंस करोगे तो वो मान जाएंगी। तुम प्लीज कर लो ना ये बात उनसे। मैं कतई उनसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। मेरी खातिर भी नहीं करोगे? तुम्हारी खातिर? Are you serious, अलीज़े? लड़कियां आमतौर पर कहती हैं कि मेरी खातिर तुम मुझसे शादी करो, रो रही होती हैं, तड़प रही होती हैं, मिन्नत सिफारिश कर रही होती हैं, और तुम कह रही हो कि क्या मैं तुम्हारी खातिर तुमसे शादी ना करूं? It's unbelievable. अफ़सान तुम बहुत सेल्फिश हो। मैं सेल्फिश? सेल्फिश तुम हो जिसे सिर्फ अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने सोशल सर्कल और अपनी सक्सेस की फिक्र है, लेकिन मैं कहाँ हूँ इस सब में अलीज़े? हाँ तो देखो मैं स्ट्रांग होंगी, इंडिपेंडेंट होगी तो हम दोनों के लिए अच्छा है ना। तुम भी तो कितना खुश होगे मुझे देखकर। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अफ़सान तुम मामा को मना कर रहे हो। मैं उनसे बात नहीं कर रही। That's it. अम्मी आपने चाचू को हाँ कर दिया? रमशा शानी बहुत बदल गया बेटा, तुम्हें पता है कल वो मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गया था। अम्मी अगर वो आपको हॉस्पिटल लेके गए तो इसका मतलब है वो बदल गया? क्या हो गया आपको अम्मी? किसी को जज करने का ये क्या तरीका निकाला आपने? देखो रमशा शानी और अनवर को ना अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा, और अनवर ने अपनी बात की लाज रखी है, उसने मुझे अभी तक किसी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अब तो अनवर बाकायदगी से पैसे दे रहा है और दुकान का जितना हिसाब किताब है ना वो सही से लाके बताता है। अरे हमारे खर्चे का ख्याल रख रहा है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है बेटा। एक बात बताओ मुझे, ये हमारे अपने हैं ना बेटा? अगर हम इन पे भरोसा नहीं करेंगे तो और किस पे करेंगे? रहने दे अम्मी, अनवर चाचू और इतनी जल्दी बदल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उनको, वो मुझे और आपको मिलकर पागल बना रहे हैं। इतनी बदगुमानी ठीक नहीं है बेटा। अब मुझे तुम्हारे मामले में किसी ना किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना।
तो फिर शानी क्यों नहीं, घर का बच्चा है। देखो बेटा, ये जो कुछ भी हुआ ना, बस उसे भूल जाओ। शानी से तुम्हारी शादी हो जाएगी ना बेटा, तो तुम इसी घर में मेरी नजरों के सामने रहोगी। जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद शानी का रिश्ता आना बहुत बड़ी नेमत है बेटा। चाहती हूँ कि तुम मामा से कहो कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। अलीजे, मैं तुम्हें क्या कोई बहुत बेवकूफ इंसान लगता हूँ जो तुम्हारी इतनी फजूल बात मान लूँ? अफनान, मामा मेरी बात नहीं सुनेंगी। तुम उन्हें कन्वेंस करोगे तो वो मान जाएंगी। तुम प्लीज कर लो ना ये बात उनसे। मैं कतई उनसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। तुम बहुत सेल्फिश हो। मैं सेल्फिश? सेल्फिश तुम हो, जिसे सिर्फ अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने सोशल सर्कल और अपनी सक्सेस की फिक्र है। लेकिन मैं कहाँ हूँ इस सब में अलीजे? हाँ तो देखो, मैं स्ट्रांग होंगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो हम दोनों के लिए अच्छा है ना।